हेलो एंड वेलकम, दिस इज चंद्रशेखर धामंदे। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ कंजंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो पहला कंजंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो है दैट्स व्हाट। हिंदी में जब भी आपको कहना होगा यही तो, वही तो, या यही बात तो, या वही बात तो, ये सारी सिचुएशन एक जैसी ही है, इसके लिए इंग्लिश में कहा जाएगा दैट्स व्हाट। और दैट्स व्हाट के बाद फिर आप अपना पूरा सेंटेंस बोलेंगे। आपका सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की करें, या फ्यूचर की करें, पूरा सेंटेंस इसके बाद आपको लिखना रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दैट जो है वो एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देयर आर फोर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश। चार ऐसे शब्द हैं जो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वो है दैट, दिस और इन दोनों के प्लूरल फॉर्म दोज और दीज। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में हम दैट्स व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स व्हाट को अगर हम थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहें तो दैट्स में दैट और इज है और उसका कॉन्ट्रेक्शन दैट्स कहलाता है। हम चाहें तो इसे अलग अलग भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाट के बजाय आप दैट इज़ व्हाट भी बोल सकते हैं, या फिर दिस इज़ व्हाट भी बोल सकते हैं। इन सभी सिचुएशन में जो अर्थ रहेंगे वो सेम रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स के जरिए इस बात को समझते हैं। दैट्स व्हाट, जैसा कि हिंदी मतलब आप जान गए हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट आई एम नॉट गेटिंग, या दैट्स व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, या यही बात तो मुझे पता नहीं थी, यही बात तो मुझे पता नहीं थी। इसके लिए हम कहेंगे दिस इज़ व्हाट आई डिडंट नो, दिस इज़ व्हाट आई डिडंट नो। पता नहीं थी तो हम बोलेंगे डिडंट नो, और पता नहीं है तो आई डोंट नो बोलेंगे। या वही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, वही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। इसके लिए आप कहेंगे दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू, मुझे पसंद नहीं है आई डोंट, और लाइक अबाउट यू मतलब तुम्हारे बारे में। सो दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। तो यहाँ पर दैट्स व्हाट या दिस इज़ व्हाट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कंजंक्शन की तरह, और ये वाक्य को एम्फेटिक भी बनाता है। एम्फेटिक का मतलब होता है ज़ोरदार, किसी चीज़ पर प्रेशर देकर, जोर देकर अगर हम कोई बात कहें तो उसे हम एम्फेटिक सेंटेंस बोलेंगे। तो अगर आप दैट्स व्हाट का यूज़ समझ पाए हों तो एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट में लिख भेजिए। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।